सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनका अगस्त का महीना कैसा जाएगा। राशिफल में बता रहा हूँ, अगस्त 2018। इस महीने सूर्य सिंह राशि में संगमन करेगा, वक्री मंगल मकर में घूमेगा, राहु और केतु क्रमशः कर्क और मकर में रहेंगे। अगर हम धनु की बात करें, धनु राशि, तो ये लोग ऊर्जावान होते हैं, इच्छा शक्ति इनकी पहचान है और अपनी इच्छा शक्ति के कारण ये लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। थकान या तो फिर आलस के कारण आप अपने कार्य में कोई गलती कर सकते हैं, जिसके कारण जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, एकाग्रता बनाए रखें। अगर आप इस महीने एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना के रखेंगे तो आपके कार्य पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हो सके तो सुबह उठकर ध्यान वगैरह करने की आप आदत डाल दीजिए, क्योंकि आपकी सितारों की चाल से पता चलता है कि आपका मन भटक सकता है इस महीने और इसके कारण आपके कार्य क्षेत्र पर पूरा प्रभाव रहेगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, परिवारजन हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वो आपका समर्थन भी करेंगे, आपके विचारों का समर्थन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए महीना मध्यम रहने वाला है। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे इसकी पूरी संभावना है, इसलिए इसके प्रति भी आप थोड़ा सा सावधान रहिए। आपके जो भी रुके हुए कार्य उनके प्रति आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो कार्य करने की जो शैली है, चतुराई भरे आप जो कार्य करते हैं उस कार्य के कारण लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन अपने अंदर ना आने दें, गुस्से पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुस्से के कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती है, लोगों के साथ जो आपके संबंध है वो भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर पूरा भरोसा ना करें, क्योंकि इस महीने धोखाधड़ी होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है और इसके कारण शायद आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए महीना मध्यम है, लेकिन जो महिला जातक है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इन दोनों को अलग रखिए। अगर आप अलग नहीं रखेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र पर इसका नेगेटिव असर होगा, नकारात्मक असर होगा। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें इस महीने। जो भी काम करें कॉन्फिडेंस से काम करें, कभी भी भाग्य के भरोसे इस महीने आप ना बैठना, नहीं तो इसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। आधा महीना बीत जाने के बाद आपकी स्थिति जो है वो आपके अनुकूल हो जाएगी, सारी परिस्थितियाँ और आर्थिक स्थिति भी आपकी एट दी एंड मजबूत होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपस में प्रेम बढ़ेगा, आप थोड़े भावनात्मक हो सकते हैं। जो लोग सिंगल है वो लोग अपना साथी ढूंढने निकल सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।